जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। बच्चों, हमने जो अभी अभी पढ़ा ना, लेसन नंबर 9 हमारे व्याकरण विभाग में से पाठ 9वां, सर्वनाम प्रोनाउंस। तो ये जो पूरा हमने लेसन सीखा, लेसन पढ़ा, उसमें से हमने क्या जानकारी मिली, हम क्या जान सके, हमें क्या समझ में आया, वो सब समझने के लिए हम करेंगे हम इसके इस पाठ का अभ्यास, जो है हमारा लेसन 9 सर्वनाम। अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास को। अभ्यास में हमें जो दिया है वो हमें अब सीखना है। यहाँ है पाठ नंबर 9, उसका अभ्यास यह दिया है। फर्स्ट है, यहाँ है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यह है, नीचे दिए प्रश्न के उत्तर दीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, ये जो पूरा है ना प्रश्न, वो हमें लिखना है। तो उसका उत्तर क्या होगा भला, कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हमने अभी अभी समझा कि जिस शब्द का प्रयोग, आप यहाँ से ये ढूंढकर आप आंसर भी लिख सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द हम नाम के बदले, संज्ञा के बदले जो शब्द हम इस्तेमाल करें तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है उसे हमें यहाँ लिखना है, जो यहाँ है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे। उसके बाद है, कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए। तो हमें ऊपर बहुत सारे सर्वनाम दिए गए हैं, हमने जो समझे हैं सभी में से हम कोई 6 सर्वनाम ढूंढकर यहाँ लिखेंगे। यहाँ दिए गए हैं बहुत सारे सर्वनाम है बच्चों, देखो ये पूरा का पूरा जो कोष्टक है ना, उसमें से हम कोई भी 6 सर्वनाम ले सकते हैं। मेरा, तुम, आपको, आपने, उन्हें, उन्होंने, इसने, किसने, जिसे, जिन्हें, कोई भी 6 सर्वनाम आप यहाँ से ले सकते हो। वो आपको लिखना है यहाँ प्रश्न नंबर 1 के ख में। उसके बाद हम जाएंगे आगे प्रश्न नंबर 2 पर। उसमें हमें क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पीछे है प्रश्न नंबर 2, ऊपर जो पोस्टक है ना उसमें जो ये जो पूरे के पूरे शब्द दिए गए हैं ना, उसमें से ढूंढकर हमें ये खाली जगह को लिखना है। यहाँ है खाली स्थान की सर्वनाम द्वारा पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उस स्थान में यहाँ हमें सर्वनाम लिखने हैं, पढ़ना है और ऊपर से ढूंढना भी है। क, मुझे अपना काम स्वयं करने दो। तो ये मुझे है जो व्यक्ति बोल रहा है, उसने अपने लिए ये जो मुझे सर्वनाम है वो इस्तेमाल किया है। तुमने, मेरे, उसे, आपने, मुझे, मैं और वह, वो सब सर्वनाम है। वो जो यहाँ जो पूरी फिल इन द ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है जहाँ जो आएगा वो हम यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद ख है, कल मेरे दादाजी का चश्मा खो गया था। तो
तो यहाँ से आप ढूंढें कि कल दादाजी का चश्मा खो गया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरे ये वो सर्वनाम है, वो अपने लिए वो अपना नाम नहीं बोलते, मगर उसके लिए क्या बोलते हैं, मेरे, जो नाम के बदले सर्वनाम। उसके बाद देख ग, क्या तुमने कभी हवाई जहाज की सवारी की है, क्या तुमने कभी हवाई जहाज की सवारी की है, पूछते तो यहाँ जो सामने बात कर रहे उसे कह रहे हैं। आपने गाड़ी चलाना कब सीखा, तो यहाँ हम करेंगे आपने। इस वर्ष उसे भी तैराकी के तैराकी में पुरस्कार मिला, जो स्विमिंग करते हैं वो, इस बार उसे, कोई दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसे, वह बहुत अच्छे चुटकुले सुनाता है। चुटकुले मीन्स जोक्स, हमने आगे की कहा था ना कि चुटकुला मीन्स क्या, जोक्स। वह बहुत अच्छे, तो वह जो चुटकुला अच्छा सुनाता है उसके बारे में बात की गई है, तो हम उसका नाम नहीं लेंगे मगर क्या कहेंगे, वह। मैं अभी कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, जो बात कर रहा है वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अभी कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे दिए गए संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग कीजिए। यह जो पूरा कोष्टक है उसमें संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, तो हमें संज्ञा की जगह पर संज्ञा, सर्वनाम की जगह पर सर्वनाम लिखना है। प्रिया, तो ये जो प्रिया वो है क्या हो गया, संज्ञा, नाम है किसी का, उसका, कोई दूसरे व्यक्ति के लिए ये जो उसका शब्द इस्तेमाल किया गया है, मगर ये क्या है, नाम के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द है उसका, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं उसका, तो यह आएगा सर्वनाम में। उसके बाद है उन्हें, वह, उंजन, दिल्ली, रेलगाड़ी और मैं, तो यहाँ हमने लिखा है प्रिया, तो प्रिया हो गया संज्ञा नाम, उसका वो हो गया सर्वनाम, उन्हें उन्हें हो गया सर्वनाम, किसी व्यक्ति के बारे में बात है। वह, वो भी क्या हो गया, सर्वनाम। उसके बाद है गुंजन, तो गुंजन किसी का नाम है, तो वो हो जाएगा संज्ञा। दिल्ली, दिल्ली क्या हो जाएगा, संज्ञा। रेलगाड़ी भी संज्ञा, और मैं लास्ट रह गया, मैं, तो मैं क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम। तो यहाँ मैं, उसका, उन्हें और वह, ये चार है वो सर्वनाम है, गुंजन, प्रिया, रेलगाड़ी और दिल्ली, ये जो चार है वो है संज्ञा शब्द। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ जो ये पैराग्राफ है उसमें बहुत सारे सर्वनाम शब्द है, तो हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है और ये जो संज्ञा शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। बच्चों तुमने मोर तो अवश्य देखा, अवश्य ही देखा होगा, तो यह क्या हो गया, बच्चों तुमने, तो ये जो तुमने है वो क्या है बच्चों, सर्वनाम है, सभी बच्चों के लिए वो शब्द है वो यूज़ किया है। उसके बाद है यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह और हमारा, वो क्या हो गया सर्वनाम, नाम के बदले संज्ञा के बदले यहाँ इस्तेमाल किया है। इसके सिर पर मुकुट के समान कलगी होती है, किसके, मोर के, हमेशा यहाँ बार बार नहीं बोलेंगे मोर, यहाँ कहेंगे इसके सिर पर। उसके बाद है इसके पंख रंग बिरंगी तथा सुंदर होते हैं, तो मोर की बात हो रही है, तो बार बार हम मोर नहीं लिखेंगे, उसके जगह इसके। इसकी गर्दन नीले रंग की होती है, इसे नदी किनारे के क्षेत्रों में रहना अच्छा लगता है। यह काले बादलों को देखकर नृत्य करता है, इसे यह भगवान
कृष्ण तो अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे। यह खेतों में कीड़े मकोड़े खाता है, इसे किसान का मित्र भी कहते है। ये पूरे के पूरा पैराग्राफ है बच्चों, वो है मोर के बारे में। हमने ये पढ़ा और जिस जगह पर सर्वनाम शब्द थे वहाँ हमने क्या किया, लाइनिंग की, अंडरलाइन किया। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ प्रश्न नंबर 5 पर, उसमें क्या करना है हमें। नीचे दिए सर्वनाम शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जो सर्वनाम शब्द है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए सर्वनाम शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। उसके बाद जो यहाँ इतने सारे शब्द है उसमें सर्वनाम के ऊपर राइट करना है। जिराफ, उसका, कोयल, तो ये दोनों हो गए संज्ञा। ये उसका हो गया सर्वनाम। आपका, तुम्हारा, तितली, आपका और तुम्हारा, ये दोनों क्या हो गया, हम जो सामने व्यक्ति है उसके बारे में यूज करते हैं। हैदराबाद, चिन्हे और हमारा, ये दो शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है, और हैदराबाद वो हो गया नाम। किसने, इन्हें और पानी, तो ये पानी नहीं, ये इन्हें और किसने, वो नाम के बदले यूज किया गया है। दिल्ली, चाचा और मोर, दिल्ली और चाचा, ये स्थानवाचक है, व्यक्तिवाचक, ये क्या हो गया मेरा, वो है सर्वनाम। उसके बाद बच्चों यहाँ है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्द की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा आपको लिखना है, फिर से लिखना है। आर्या की माँ ने आर्या को गुड़िया दी, तो ये जो आर्या है उसके लिए हमें सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करना है। आर्या की माँ ने उससे गुड़िया दी, तो यहाँ आर्या है उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, उसे। अभिनव, अभिनव के माता पिता के साथ बाजार जाता है। हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम शब्द, हम बार बार वही नाम नहीं दोहराएंगे। यहाँ जो अभिनय है वो अपने माता पिता के साथ बाहर जा रहा है, तो वो क्या कहेंगे, अभिनव अपने माता पिता के साथ बाजार गया है। नितिन ने नितिन का कमरा साफ कर लिया, तो यहाँ जो ये है वो संज्ञा हो गई, वो सभी शब्द है, इसमें नितिन की जगह में क्या लिखना है, सर्वनाम शब्द। नितिन ने अपना कमरा साफ कर लिया, तो ये अपना। उसके बाद है पिता ने अर्पिता को कहा कि अर्पिता ने अच्छी कविता लिखी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, आपको यहाँ सही सर्वनाम इस्तेमाल करना है। देखो ये है पिता ने अर्पिता से कहा कि उसने अच्छी कविता लिखी है, तो ये क्या हो गया, उसने, वो उसने जो शब्द है वो हो गया सर्वनाम, क्योंकि यहाँ अर्पिता के बदले में वो लिखा है। उसके बाद है प्रश्न नंबर
चार। साक्षी ने माँ से कहा कि साक्षी ने खाना खा लिया है, तो वो क्या कहेगी अपनी माँ को? कहेगी ना कि माँ हमने खाना खा लिया है। तो वह साक्षी ने माँ से कहा कि साक्षी ने खाना खा लिया है, तो आप बार बार साक्षी नहीं बोलेंगे, उसकी जगह सर्वनाम लिखेंगे। साक्षी ने माँ से कहा कि उसने खाना खा लिया है। ये जो बच्चों हमने लेसन किया, ये सब उसकी एक्सरसाइज है, सब उसका अभ्यास है। आपको देखना भी है, समझना भी है, और जब आप नोटबुक लिखें तभी आपको जो सवाल जवाब अगर हम कहें, ये सवाल जवाब भी आपको करने हैं।